और अभी भी 80 मिलियन लोग हकलाते और तुतलाते हैं पूरे दुनिया में 80 मिलियन लोग हम तुतलाते और हकलाते क्यों हैं सबसे पहले आपने ये इसका तीन है हकलाने और तुतलाने के साथ साथ हम कॉन्फिडेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं दूसरी चीज हमें भी कह सकते हैं उसको स्पीच थेरेपी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे शब्द बुलवा सकते हैं जो शब्द उसके लिए डिफिकल्ट हो जिसमें वो बचता हो उलझता हो जैसे बहुत सारे लोगों का वावल में प्रॉब्लम रहता है आ नहीं बोल पाते हकलाना और तुतलाना एक तरीके की बीमारी है अगर ये बीमारी है तो इससे हम कैसे निकल सकते एक महेश नाम के थे इंटरव्यू की तैयारी करने थे, हैं में। तो मैंने उस वक्त उनको ये लेकिन इससे क्या होना जुबान आपकी ट्विस्ट होगी और टाइट होगी टक डा टक डा टक टक डा लोगों ने हंस हंस के उसकी प्रॉब्लम बना दी कहते हैं ना हम तो बीमार नहीं थे आपने हमारे हाल पूछ पूछ के हमें बीमार बना दिया <laughs> तो गुड इवनिंग सर माय नेम इज कोमल टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हम हकलाते और तुतलाते क्यों हैं दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू सर सो दिस इज योर क्वेश्चन आपका सवाल है हम हकलाते और तुतलाते क्यूँ सबसे पहले हम चलते हैं एक बच्चे के पास राइट right? एक बच्चा पैदा होता है तो अब बच्चा जब पैदा होता है तो हर बच्चे के अंदर हर बच्चे के अंदर तो नहीं होता लेकिन पाँच परसेंट बच्चे के अंदर यह हकलाहट और तुतलाहट होती है बच्चा बारह साल जब क्रॉस करता है तो उसके बाद आप एडल्ट में नौजवानों में देखेंगे जैसे हम लोग हैं तो हमारे अंदर ये बीमारी सिर्फ एक परसेंट बचती है और अभी भी अस्सी मिलियन लोग हकलाते और तुतलाते हैं पूरी दुनिया में अस्सी मिलियन लोग तब हम बात करते हैं सबसे पहले हकलाहट क्या है तुतलाहट क्या है जिसको स्टैमरिंग बोलते हैं हकलाने को हम स्टैमरिंग बोलते हैं स्टटरिंग बोलते हैं और तुतलाने को हम लिस्पिंग बोलते हैं पॉइंट है कि हकलाहट क्या है हकलाहट का मतलब कि जब हमें कोई शब्द बोलना हो वो शब्द सही से प्रोनाउंस ना हो सिलेबल प्रोनाउंस ना हो कोई वर्ड सही से क्लियर तरीके से निकले ना और एक हम स्टॉप ले ले आ, 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 लाइक दिस यू you know? नो को 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 कोमल को, को, राइट इस तरीके से अगर मैं कहता हूँ और तुतलाने का मतलब यह है कि जैसे मैं टमाटर बोल रहा हूँ तो मैं उसको टमाटर बोल रहा हूँ राइट उसको

तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोमल हकला रही है सपोज तो कोमल की मम्मी कोमल के पापा दादी दादा पर दादी पर दादा हो सकता है इस बीमारी से जूझे हो दूसरा इसका रीजन होता है न्यूरोलॉजिकल इशू न्यूरोलॉजिकल का मतलब कि दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई ब्रेन डैमेज जिसे बोलते हैं दिमाग में कुछ ना कुछ जो है कि दिक्कत हो गई हो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल इशू तीसरा होता है साइकोलॉजिकल इशू अब साइकोलॉजिकल इशू में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है साइकोलॉजिकल इशू में होता है कि आप का एक सोच बन गई आपके अंदर कोई डर बैठ गया आपके अंदर कोई ट्रॉमा हो गया आपने किसी को खो दिया कोई आपके साथ बहुत अजीब सी दुर्घटना घटना हो गई आपकी मेमोरी लॉस हो गई आप अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे बोल नहीं पा रहे तो ये तीन रीजन इसके हकलाने और तुतलाने के ओके सर दैट इज वेरी गुड एंड सेकेंड क्वेश्चन अगर हम कोई छोटा बच्चा है ठीक है हमें उस हकलाने तुतलाने से उसको आगे बढ़ाना है

उसको कभी भी उस नजरिए से ना देखा जाए कि अरे ये तो हकलाता है ये तो तलाता है जैसे कोई भी इंसान कोई भी बच्चा अगर ऐसा करता है तो समाज वाले मजा लेने लगते हैं अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले रिश्तेदार वाले मजा लेते हैं कभी कभी मम्मी पापा समझाने की बजाय उन्हें डांटने लगते हैं तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए उससे ट्रोमैटिक सिचुएशन में बच्चे जाते हैं और उनके ऊपर और गलत प्रभाव पड़ता है और गलत असर पड़ता है तो इसलिए हमें क्या करना है हमें बच्चों को इनकरेज करना है कि हाँ कोई बात नहीं ओके बोल सकते हो आप और दूसरा हमें ये थेरेपी अपनाना है कोई बच्चा हकला रहा है अगर तो वो बच्चे को हमें पॉज दे दे के बुलवाना है जैसे प्यार से म्यूजिकल साउंड में बुलवाना है राइट आ, क्या है ये ये है बिस्किट ये है चॉकलेट ये है किताब तो अब जब ये पॉज ले लेके बोलेगा ना इंसान तो क्या होगा कि आ, वो बच्चा धीरे धीरे कोशिश करेगा और बोलने लगेगा जैसे कि मैंने आपको बताया पांच परसेंट होता है चार परसेंट लोग का खत्म हो जाता है तो बच्चों के अंदर एक और धीरे खत्म हो जाएगा और बच्चे को सपोर्ट मिलेगा इंटरनल कि हाँ वो अब हकलाएगा तुतलाएगा नहीं तो इस तरीके से हम उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं

बिल्कुल सबसे पहले हमें यह बताना है डेटा बता देना है कि तुम इस जिंदगी में इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो कहते हैं तुम तो चले हमें तो मंजिल की तरफ चला था अकेले लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया तो आप अकेले नहीं हो आपके साथ और लोग हैं और और लोग का मतलब 80 मिलियन लोग हैं आपके साथ एक परसेंट पूरी दुनिया की पॉपुलेशन आपके साथ है तो इसके लिए बहुत सारे आपके अधिकार हैं आपको कोई ऐसे नहीं हंस सकता आपके ऊपर अच्छा अगर कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको ये अपने ऊपर बनाए रखना है जिस तरीके से फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं किसी के पैर कटे होते हैं कोई लंगड़ाता है कोई जो है आ, आ, हाथ किसी के कटे होते हैं मान लीजिए कि कोई अंधा बेचारा होता है कोई एक आंख से देख पाता है कोई गूंगा होता है कोई बहरा होता है तो ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल इश्यूज है और प्रॉब्लम्स है तो स्टैमरिंग और स्टटरिंग या लिस्पिंग जो हकलाहट तुतलाहट है वो भी अपने आप में एक बायोलॉजिकल इशू है जिसको हम सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए ना कि उससे हमें भागना चाहिए अब रही कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने की बात तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना टेक्निक टेक्निकलिटी की वजह से जैसे आप मान लीजिए हकलाती हो तो है में भी आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो हकलाते फिर धीरे धीरे उनका सही हो जाता है या कुछ हद तक सही हो जाता है पूरा नहीं होता तो कुछ हद तक तो हम क्या करते हैं हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो एक आता है एक इंसान होता है ना कि एक मेडिकेशन देता है दवा देता है कि दवा से इलाज हो जाए एक होता है उसको काउंसिलिंग दी जाए राइट एक होता है उसके ब्रेन के ऊपर जो है कि ऑपरेशन किया जाए अगर उस तरीके से कुछ हो सकता है तो एक होता है स्पीच थेरेपी के अकॉर्डिंग स्पीच थेरेपी का मतलब क्या होता है कि उसको आप ट्रीट करने की कोशिश करिए जैसे म्यूजिकल साउंड दीजिए हम्म हम्म तो अब जितना ज़्यादा वो जो है अपने गले पे वोकल पे काम करेगा जितना म्यूजिकल हमिंग देगा उतना ही अच्छे से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और उसकी प्रैक्टिस होगी दूसरी चीज़ हमें भी कह सकते हैं उसको स्पीच थेरेपी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे शब्द बुलवा सकते हैं जो शब्द उसके लिए डिफिकल्ट हो जिसमें वो बचता हो उलजता हो जैसे बहुत सारे लोगों का वावल में प्रॉब्लम रहता है हाँ। आ नहीं बोल पाते ई नहीं बोल पाते यू नहीं बोल पाते आई नहीं बोल पाते तो उनको जो है उसी हिसाब से प्रैक्टिस करवानी है हमें दूसरी चीज अगर किसी पर्टिकुलर शब्द पर रुक जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करवानी किसी भाषा में उनको प्रॉब्लम हो रही तो उस पर प्रैक्टिस करवानी जैसे मान लीजिए आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलना हो तो आप तो बोलेंगे इसको बोलते हैं बायलिंगुअल प्रोसेस बाईलिंगल प्रोसेस या बाईलिंगल प्रॉब्लम में क्या होता है जब से हम दो भाषा की बात करते हैं तो दो भाषा मिक्स करते हैं ना तो प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें क्या करना है एक भाषा से मान लीजिए इंग्लिश से हमने ले लिया इंग्लिश हमने ले लिया मान लीजिए प्रोक्रेस्टिनेशन और हिंदी से हमने ले लिया टाल देना तो अब क्या करें दोनों को मिक्स कर प्रोक्रेस्टिनेशन टाल देना टाल देना प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोक्रेस्टिनेशन टाल देना तो आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलना है कुछ ऐसी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं मतलब According to you, हकलाना तुतलाना एक तरीके की बीमारी है हुँ. अगर ये बीमारी है हुँ. तो इससे हम कैसे निकल सकते हैं इसे निकलने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रैक्टिस की जाए जैसे एक स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनकी ज़ुबान जो है छत से गिर गई तो उनकी ज़ुबान कट गई अब जब उनकी ज़ुबान कटी तो अब उनके साथ क्या होता है कि उनकी ज़ुबान जब कट गई तो पूरा समझ समझना पूरी हमारी ज़ुबान है तो हमारी ज़ुबान सही से निकल रही है।, है उनकी ज़ुबान कट गई उनका वर्डिंग जो है सही से नहीं निकल पा रहा है और जैसे टा बोलना होता है तो ता बोलते हैं या हल्का शब्द खा जाते हैं खोमल ऐसे बोलते हैं अब्दुल्ला इंग्लिश स्पीकिंग तो अब हमें क्या करना है कि उनकी ज़ुबान को ट्विस्ट कराना है एक इसके लिए बहुत बेहतर फॉर्मूला है जो मैंने खुद ईजाद किया है निकाला है एक महेश नाम के थे इंटरव्यू की तैयारी करना था तो बिहार से थे। तो अब तक डा, तक डा। अब जैसे आपको क्या करना है बोलना है इसको बार बार टक डा टक डा अब आपको लगेगा क्या है लेकिन इससे क्या हो ना जुबान आपकी ट्विस्ट होगी और टाइट होगी टक डा टक डा टक डा टक 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 डा टक 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 डा तो ऐसे करके कुछ पैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपकी तुतलाहट और हकलाहट दूर हो सकती है और ऐसी मेरे पास बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो मैं करवाता हूँ हम थैंक यू फॉर दिस आंसर एंड माय फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट कि जो हम डेली रूटीन में खाते हैं या जो हमें बचपन में खिलाया जाता है कि या ये बीमारी उसकी वजह से बनती है या, हमारे या ये हमारे माइंड की कुछ वजह से जो बीमारी है डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मैंने आपको बताया तीन इसका सबसे पहले एक जेनेटिक्स से से है ट्रांसफर होती है दूसरा ब्रेन न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन से रिलेटेड आती है तीसरा साइकोलॉजिकल जो हमारी सोच से आती है कुछ दिक्कतों से परेशानियों से हालातों से जज्बातों से आती है तो हमें समझना होगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम हम जूझ रहे हैं हर तीनों का अपने आप में इलाज है राइट right? सबसे अच्छा इलाज है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अब फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो अब उसका आराम से इलाज किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को पकड़ के उसको प्रॉब्लम को हटा दो वो बंदा जो है बोलना चालू कर दो अच्छा एक चीज और होती है इसमें मान लीजिए कोई बोल रहा है अब वो बोल रहा है तो वो कहीं हकला गया कहीं रुक गया तो हम सब हंसने लगे मजा लेने लगे फिर उसको लगा यार ये तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ लग रहा है मुझे रियल में कोई प्रॉब्लम है अच्छा उसको प्रॉब्लम थी नहीं लोगों ने हस हस के उसकी प्रॉब्लम बना दी कहते हैं ना हम तो बीमार नहीं थे आपने हमारे हाल पूछ पूछ के हमें बीमार बना दिया <laughs> तो वही कुछ होता है इस तरीके से तो उस चीज में हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा उस वक्त हमें अपना जज्बा पूरा रखना चाहिए कि अगर कई बार ये देखा गया कि तनाव यानी कि चिंता और मतलब प्रॉब्लम्स में भी इंसान लड़खड़ाता है ठीक है उसके पास कोई मतलब so प्रॉब्लम उस, उस तो सबसे पहले किसी चीज का है ना बड़ी प्यारी कहावत है कि वेन यू स्पीक गिव इट अकेंड थॉट बिफोर यू स्पीक जब आप बोलिए तो अपने जुबान को अपने जहन को थोड़ा सा समय दीजिए बोलने से पहले उसी तरीके से जब भी कोई आपके सामने घटना दुर्घटना होती है तो आप अपने को पहले रोकें उसके बाद सोचें फिर कदम उठाएं अचानक जैसे अभी मेरे साथ क्या मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुत्ता अगर मैंने देख लिया तो कुत्ता देखने के बाद ऐसा होता है ना कि माँ की कसम भागना दौड़ना उछल जाना कुत्ता भोंग दिया तो लगा काट ही लिया तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती है अच्छा उससे ना कुत्ते को कुछ हुआ और ना उस रोड को कुछ हुआ लेकिन हमें बहुत कुछ हो गया हमारा दिल धक 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 इसलिए देखना चाहिए कि कुत्ता ही भोंक रहा है शेर नहीं गुर्रा रहा है तो थोड़ा सा सिचुएशन को समझना चाहिए फिर जाके कदम उठाना चाहिए क्वेश्चन इज देट कि हकलाना तुताना बच्चों में ही होता है या फिर ये बड़ों और बुजुर्गों में भी होता है जैसा कि मैंने आपको पहले आंसर दे दिया था कि 5% परसेंट बच्चों में ये पाया जाता है उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो चार परसेंट बच्चों की राइट मम्मी थाना थाना है और आज बड़े बोल रहे अच्छा जो बड़े आजकल बोल रहे हैं बीस साल पच्चीस साल के लोग राइट <laughs> तो वो बाबू ने थाना थाया वो तुतले नहीं है लेकिन वो तुतले बन रहे जो तुतला नहीं है